नान भिवापुर तहसील में सबसे बड़ा गांव है। 10,000 की आबादी वाले गांव में रविवार को एक बड़ा साप्ताहिक बाजार लगता है। पिछले 2 दिनों से भिवापुर तहसील में कोरोना के 4 मरीज पाए गए। कोदोड़ा की एक महिला की कोरोना बीमारी के कारण मौत हो गई। लोगों के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण नान गांव में एक दिवसीय सार्वजनिक कर्फ्यू का आयोजन किया गया था। नान के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया। बंद के कारण सभी लेन देन बंद थे। बंद के कारण गांव में शमशान शांत था। नागरिकों ने 100% समर्थन के साथ बंद का जवाब दिया और ग्राम पंचायत के साथ सहयोग किया। बंद करना, बंद के कारण कृषि के कार्य के लिए केवल व्यक्ति को काम पर रखा गया था और किसानों को गांव से बाहर छोड़ दिया गया था। आज गांव में शांति और व्यवस्था बनी हुई है। भयभीत कोरोना रोगी शोकाग्रस्त नागरिक भयभीत थे, लेकिन 100% बंद समाप्त कर दिया गया था। ग्राम पंचायत प्रशासन ने चुनौती दी थी कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे और नकाब पहने, अपना ध्यान रखे, साथ ही कोरोना से लड़े। भिवापुर तालुक्यातील नांद हे गाव तालुक्यातलं 7-8 हजार लोकसंख्याचं गाव असल्या आहे आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा ग्रामीणमध्ये पसरत आहे। उमरेडमध्ये नुकतेच 16 पेशंटचं त्या ठिकाणी सुरुवात झाली आणि कालपरवा खोलडोडे आमच्या जवळच्या नजीकच्या गावाला एक पॉझिटिव्ह महिला पेशंट भेटली 38 वर्षाची। अशातच ती महिला नान या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या डॉक्टरच्या संपर्कात आली आणि म्हणून ग्रामपंचायत कमिटी, दक्षता कमिटी आणि व्यापार संकुलन यांच्या माध्यमातून एक निर्णय घेतला की आपल्या गावांनी या कोरोनाचा प्रादुर्भाव व्हावं नाही आणि आपल्या ते पेशंट सापडावं नाही। सर्व गावाची ग्रामपंचायत, दक्षता कमिटी, टंटामुक्ती, पोलीस आणि डॉक्टरच्या माध्यमातून आम्ही हा निर्णय घेतला आणि तो निर्णय सक्सेसफुल झाला। सकाळी 6 वाजेपासून तर संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत जनतेनी अगदी प्रतिसाद चांगला दिला। महिला असो, पुरुष असो, लहान लहान मुलापासून सगळे आपल्या शेतीचे कामे सोडून अगदी आपल्या घरात राहिली। सर्व दुकानदारांनी एक उत्कृष्ट प्रतिसाद दिला। एक आज मोठा बाजार भरतो या गावाला। भिवापूर तालुक्यातला हा दुसरा बाजार, पण या ठिकाणी आज कुठलाही बाजार, किराणा, कुठलंही दुकान उपलब्ध उघडं नव्हतं आणि या जनतेनी एवढा मोठा या ठिकाणी साथ दिली त्याबद्दल मी संपूर्ण नांदवासियांचे अंतःकरणातून ग्रामपंचायतच्या वतीने आभार मानतो। असंच सहकार्य जनतेने करावं अशी मी इच्छा करतो। सर्व समितीचे लोक, पोलीस कर्मचारी, महसूल कर्मचारी, आमचे ग्रामसेवक, डॉक्टर आणि सर्वांनी एक मेहनत घेऊन या आजच्या कार्यक्रमाला अगदी मोठी मोलाची साथ दिली आणि हा कार्यक्रम सक्सेसफुल करून आनंद म्हणजे जसा काही आनंदच झाला आज। या सर्वांचे मी एकदा परत गावकऱ्यांचे आभार मानतो आणि ज्यांनी ज्यांनी या ठिकाणी मला एक चांगला साथ दिला त्यांचेसुद्धा आभार मानतो आणि मी रजा घेतो। धन्यवाद।